हमने जो पिछली वीडियोस बनाई थी उस वीडियोस में जैसे हमने बताया था एक्स के ऊपर वीडियोस बने, बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें एक कमेंट मुझे मिला था। मेजरली बहुत सारे लोगों ने वो कमेंट किया है और वो कमेंट मतलब अलग अलग था, लेकिन उसको मैंने सोचा उसका मीनिंग एक ही हो रहा है। उसका मीनिंग ये था कि हम कैसे पता लगाए कि सामने वाला इंसान जो है उसको फर्क पड़ रहा है या फिर वो हमारे लिए तड़प रहा है। आपने बताया वो तड़पेगी ये करेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो इंसान हमारे लिए तड़प रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे वन एंड वन पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूं, वहां पे फॉलो कर लेना। और अगर आप कॉल के थ्रू बात करना चाहते हो उसके लिए चार्ज लगेगा, पहले ही बता दूं। ज्यादा जरूरत है तभी जाके कॉल बुक करना, अदरवाइज अपने पैसों को वेस्ट मत करो, वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, हम जैसे नो कॉन्टैक्ट रोल में है, हम एक्स पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन एक कमेंट मेजरली में देखने को मुझे मिलता है कि जो सामने वाला इंसान है वो उसको फर्क पड़ रहा है, या फिर हम जो चीज कर रहे हैं उससे सामने वाले को कितना फर्क पड़ रहा है, या फिर कैसे पता लगा है कि उसको फर्क पड़ रहा है। सर आपने बोला उसको ब्लॉक कर दो, मैंने तो ब्लॉक कर दिया, सामने वाले इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, या फिर उसको पड़ रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा ये चीज। तो मैं एक चीज बता दूं, अगर मैंने ब्लॉक करने के लिए बोला है तो मैंने अगर ये बोला कि उस इंसान को हमेशा के लिए छोड़ दो, तो सबसे पहली बात ये आती कि उस इंसान को छोड़ने के लिए बोला है तो फिर आपका काम ही नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसने क्या किया, उसने किससे बात की, उसने क्या नहीं किया, ये आपका काम नहीं। फिर अगर आपने उसको छोड़ना ही है, अगर आपको मुंह नहीं करना है, अगर आप वो आपका ऐसा कुछ हुआ है सीन, जैसे मैंने वीडियोस में बहुत सारे ऐसे अलग अलग वीडियोस में मिली, तो फिर वहाँ पे कोई सीन ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो देखना नहीं आता। दूसरी कंडीशन आती कि जो सामने वाला इंसान है दूसरी कंडीशन में कि हाँ हमने नो कॉन्टैक्ट फॉलो किया है, हम उसको तड़पाना चाहते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो फिर हम कैसे पता लगाएं कि सामने वाला इंसान तड़प रहा है। देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि मैंने मेरी वीडियोस में एंड में हर वीडियोस के एंड में बताता हूँ कि ये जो मैं चीज़ें बताता हूँ साइकोलॉजी की, ये वही वर्क करेगी, साइकोलॉजी वही वर्क करेगी जहाँ पे कभी थोड़ा सा भी प्यार था। अगर थोड़ा सा प्यार होगा तो डेफिनेटली साइकोलॉजी वर्क करती है, लेकिन अगर मान लो कोई इंसान मतलब भटक गया है, जैसे कहा जाता है इंसान भटक जाता है, तो शायद आपके एक्स्ट्रा प्यार की वजह से, आपकी एक्स्ट्रा केयर की वजह से, आपके एक्स्ट्रा उस इंसान के पास जाने की वजह से, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगाने की वजह से अगर वो इंसान भटक गया, उस इंसान का रास्ता भूल गया, वो मतलब आपसे प्यार कम हो गया, या फिर वो किसी कहीं और जा रहा है, या फिर अभी वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आपसे छोड़ने की बात कर रहा है, जो इंसान पहले शादी के लिए भी तैयार था, जो कसमें खाता था, जो आपके आपकी इमोशंस मतलब आपकी इमोशंस को समझता था, आपके लिए रोता था, ऐसे भी कॉल मेरे पास आते, सर मेरे लिए रोता था लेकिन आज वो इंसान मेरे को रुला रहा है, ऐसे कॉल्स मेरे पास आते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि ये होने का रीजन जो होता है, जैसे मैंने वीडियोस में रीजन तो आपको बताइए, रीजन यही है कि हमारी वजह से हुआ है, हमने जो किया उसकी वजह से। अब ये पता लगाना कि सामने वाला तड़प रहा है या उसको फर्क पड़ रहा है कैसे, देखो मैं सिंपल सी चीज बता दूं, जब भी आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो करें या फिर जो भी चीज फॉलो कर रहे हैं, सबसे मतलब पहला एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूँ क्या होता है, पता है, जब आप नो कॉन्टैक्ट में सामने वाले इंसान अगर आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है तो पहले तो ये चेक करने के लिए कॉन्टैक्ट करेगा कि आप उसके लिए तड़प रहे हो या फिर आप अभी भी उसका वेट करो, या फिर वो जो मैसेज करेगा उसका आप क्या रिप्लाई करोगे, ये देखेगा। तो मैंने आपको वीडियोज में बताया मेरे रिसेंटली कि आपको रिप्लाई देना है तो तुरंत नहीं देना है, अगर वो ज्यादा मैसेज करे तब देना है, ज्यादा कॉल करे तब उठाना है, ठीक है, ये चीज होगी। अगर आप ऐसा करते हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सामने वाला जो उसके अंदर बेचैनी से आ जाएगी, कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी चीज, जब आप कॉल मैसेज करेगा आप नहीं उठाओगे तो उसके अंदर एक बेचैनी से आ जाएगी। अगर वो इंसान आपको एक कॉल किया आपने नहीं उठाया, तो कॉल किया दो फिर नहीं उठाया, फिर उसके बाद दो तीन दिन वो गैप दे रहा नहीं कर रहा, आपको कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं देना अपनी तरफ से, चार दिनों के उसके बाद वो इंसान फिर जगह कॉल करेगा नहीं उठाना, फिर धीरे धीरे उसकी कॉल ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। तो समझ लो अगर वो ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो बोल रहा है कि मेरे को तेरे से काम है, ये ज्यादा मेजरली होगा, ज्यादातर यही केस होता है, वो क्या बोलेगा, अरे मेरे को तेरे से काम है, मेरे को ये था, जानबूझ के कोई ना कोई काम निकाल के लाएगा, जानबूझ के कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसी चीजें जो निकाल के लाएगा जिसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैंने ये दिया था मेरे को वो देना, मेरे को उससे काम इसलिए तेरे से बात करनी, मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को खाली इसके लिए बात करना। तो समझ लो वो इंसान तड़प रहा है, उससे आप जो करो उससे उसको फर्क पड़ रहा है, ये डेफिनेटली ये चीज बहुत ट्रू है या फिर सच है। क्योंकि जब क्या होता है पता है, जब इंसान को आपसे बात करना है ना, वो खाली जानना चाहता है कि ये सच में तो नहीं भूल गए, तो उसको डर आ जाता है कि ये तो बात भी नहीं कर रही है, तो कॉल भी नहीं उठा रहा है, या फिर कॉल भी नहीं उठा रही है, तो इंसान क्या करता है फिर कुछ ना कुछ निकाल कर आता है। उसको पता है अगर डायरेक्टली मैसेज करूंगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी, मेरा ईगो होगा, मेरा ईगो की वजह से डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो इनडायरेक्टली कोशिश करता है, क्या करता है, किसी और चीज़ के बारे में मैसेज करेगा आपको कि यार तू क्या कर रही है, या फिर तूने उसकी बात की, उसने ऐसा बोला मेरे को, या फिर मेरे को उससे ये करना था, मेरे को उसको नोटबुक देना है, या फिर उसने ये बोला मेरे को तेरे बारे में, तूने ये बोला था क्या, या फिर
तूने ऐसा किया था, जानबूझ के, या फिर आपके ऊपर ब्लेम लगाएगा, जो झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में, जो भी हुआ उसके ऊपर जानबूझ के आपके ऊपर ब्लेम लगाएगा, तूने ऐसा किया, तूने ऐसे किया, तू ऐसी है, तू ऐसा है, अगर ऐसे ब्लेम लगा रहा है या फिर ऐसी चीजें आ रही मैसेज में या फिर कॉल के थ्रू किसी के थ्रू, तो समझ लो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा तड़प रहा है, और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने अंदर, सामने वाले इंसान को रिएक्ट, मतलब उसको फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया। अगर आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोगों को, सर यहाँ पे तो हमारा रिलेशनशिप टूट रहा है, सामने वाला मेरे को ऐसा बोल रहा है कि अभी तूने मेरे को ब्लॉक किया, तूने मेरे को छोड़ा ना, आज जिंदगी में तेरे को कभी मैसेज नहीं करूंगा, कभी तेरे पास नहीं आऊंगा, तो समझ लो ये भी वो तड़प रहा है, वो जानता है कि अगर मैं ऐसे मैसेज करूंगा ये डर जाएगी और डर के मारे मेरे को मैसेज कर देगी। अगर ऐसे मैसेज आ रहा है कि अभी कभी जिंदगी में तेरे को मैसेज नहीं करूंगा, तू ऐसी कर रही, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू, अगर आपके ऊपर ब्लेम भी लगाया जा रहे तो समझ लो सामने वाले को फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। सामने वाला बोल रहा है कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मैं तेरे को हमेशा के लिए छोड़ ही दे रहा हूं, अभी मैं कभी जिंदगी में मैसेज नहीं करूंगा, कसम खाता ये खाता, कितने भी कसमें खाए लेकिन लिख के देता, उसको फर्क पड़ रहा है, सामने वाला जो इंसान है उसके पास नहीं जाना, मैसेज नहीं कर रहा है उसको, वो इंसान को फर्क पड़ रहा है, तो वो जो मैसेज कर रहा है उसको ना ऐसे रिएक्ट, मतलब ऐसे तो ठीक है जा सकता है, ठीक है कर दे ब्लॉक, ठीक है छोड़ दे, सामने को और ज्यादा चलेगी, ठीक है फिर मैं तेरे को ब्लॉक करूं, कर भी देगा फिर भी आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे बात करो, ऐसे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। याद रखना सच्चे प्यार में कभी ब्रेकअप नहीं होता है, और जहां ब्रेकअप होता है वहां सच्चा प्यार कभी नहीं होता है। अगर आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी, जैसे मेरे पास कॉल आते हैं, आप जैसे आप लोगों को इंसान इतना अब्यूजिंग करता है, आप लोगों को इतना गालियां देता है, या फिर आपके साथ ऐसे बदतमीजी करता है, फिर भी आप उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि सच्ची फीलिंग्स है ना, तो सच्ची फीलिंग्स अगर होगी तो इंसान कभी नहीं छोड़ता है, कुछ भी हो जाए। हम उसको जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो ईगो, उस ईगो को तोड़ने के लिए कर रहे हैं हम, जानबूझ के उसको परेशान नहीं कर रहे, सिंपल चीज है। तो ये जो साइन है जो मैंने बताया, सामने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी भी रीजन से, किसी भी बहाने से बात करने की कोशिश कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये बोल दे, उसको मेरे पैसे देने को बोल, उसको ये देने को बोल, तो समझ लो सामने वाले को फर्क पड़ रहा है। सामने वाला इंसान जो है वो आपसे, मतलब आपकी जो नो कॉन्टैक्ट है, जो भी आप कर रहे हो उससे, उस इंसान को तड़पन हो रही, तड़प रहा है, और थोड़ा तड़पाने की जरूरत है। सामने वाले की अक्कल जब तक वो घुटने ना टेकते, जब तक वो नाक ना रगड़े, आई एम सॉरी मेरे से गलती हो गई, इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली वर्क करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव, ये वीडियो इसीलिए बना ताकि आप पॉजिटिव रहे, आप थोड़ा मोटिवेट रहे कि हाँ इससे वर्क हो। लेकिन आपको क्या लगता है, सर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका तो और ज़्यादा ईगो बढ़ रहा है, वो तो और ज़्यादा गुस्सा हो रहा हो, तो अगर वो गुस्सा भी कर रहा है, अगर वो ज़्यादा मैसेज कर रहा है, तो ऐसे तू ये अगर लड़ रहा है, तो समझ लो फिर भी सामने वाला इंसान तड़प रहा है, वो चाहता है कि लड़ो और वापस बात हो, फिर वापस सारी चीजें हो, फिर वो कॉम्प्रोमाइज कर दे। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज वैसे करना चाहता झगड़ा करके ताकि तुम भी करो, लेकिन ऐसे कॉम्प्रोमाइज ही करना चाहता कि मतलब हाथ जोड़ के झुक के, क्योंकि उसको पता मेरा ईगो जाएगा, इसीलिए इस तरीके से आ रहा है। लेकिन हमें उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना है, हम किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे जब इस रास्ते से आएगा और झुकेगा तब। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक महीना, डेढ़ महीना, जितना भी टाइम लगे लगने दो, लेकिन एक बार झुकाओ ताकि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है थोड़ी बढ़े। नहीं तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, नहीं सर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए रिलेशनशिप में, नहीं तो टूट जाएगा ना, फिर वो भी गो में, मैं भी गो में, नहीं नहीं नहीं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में बार बार आप करते हो, पिछली बार से करते हो, और इसलिए ये सिचुएशन है। अगर इस बार भी करोगे तो फिर रिलेशनशिप का एंड होगा, फिर आप मेरे वीडियो से भी नहीं, या फिर मेरे से बात करके कुछ नहीं हो सकता, सिंपल चीज़। थोड़ा दिमाग का खेल, जो मैंने चीज़ें बताई ना वो चीज़ आपको नहीं समझोगी तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे माइंड में जो है शायद मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, मेरे माइंड में जो मैं जिस तरीके से इमेजिन करके बता रहा हूँ शायद आप नहीं समझे, तो आप भी इमेजिन करके थोड़ा स्लोली देखो वीडियो को, शायद आप पता चल जाए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि वो इंसान क्या क्या रिएक्शन देगा, क्या करेगा, वो सब आपको पता है। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा डीपली समझो, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी, सामने वाला कॉन्टैक्ट कराओगा, मैसेज कराओगा, झगड़ा कराओगा, कमेंट करके जरूर बताना ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ मुझे पता है ना हो रहा होगा, 100% हो रहा है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मुझे पता है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए, सब प्लीज समझ गए, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।